दोस्तों ये वाली पतंग याद है आपको? इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था कि उल्टे कन्ने हम कैसे कर सकते हैं और इसके फायदे क्या हो सकते हैं, क्या ये पतंग उड़ पाएगी नहीं उड़ पाएगी। तो दोस्तों जो टॉपिक होने वाला है यही होने वाला है, ठीक है ना। आज अपन आपको इसको उड़ा के भी दिखाएंगे, उसके फायदे क्या है वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा भाई, ठीक है। तो भाई कन्ने देख लो एक बार, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली कन्ने हम ऐसे करते हैं, करते नहीं करते। मैंने कन्ने कुछ इस तरीके से करे हैं कि काफी लोग मुझे बोल रहे थे कि भाई ये पतंग ऐसे नहीं उड़ने वाली क्योंकि आपने कन्ने गलत करे हैं। तो दोस्तों बिना किसी तरीके हम वीडियो शुरू करते हैं, और भाई जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों, एक पैसा नहीं लगेगा आपका। तो चलिए इसको उड़ा के आपको दिखाते हैं। चलो भाई तो चलिए दोस्तों पतंग को पार करते हैं, और हमारी पतंग थोड़ी हवा के संपर्क में अच्छे से आ रही है और पतंग बहुत ही आसानी से उड़ रही है। ये नहीं है कि भाई ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है, ठीक है ना। ये देखिए कितनी आसानी से पतंग जा रही है, और मैं आपको इसको उतार के भी दिखाऊंगा कि बिल्कुल सेम टू सेम कन्ने वैसे ही है, ठीक है ना। ये नहीं कि पतंग बदल दिया कुछ ऐसा दिमाग में आपके आ रहा होगा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया ले में चल रही है पतंग, जहां को मोड़ो वहां को मुड़ रही है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए क्या बनावट जा रही है पतंग की। ये मैंने स्कॉर्चर मांझे से पतंग उड़ा रखी है और अब तक बिल्कुल पतंग एकदम बिल्कुल सही चल रही है। इसका मतलब समझ रहे हो, मतलब उल्टे कन्ने किए हुए पतंग के, और पतंग कितनी आसमान में बिल्कुल एकदम स्ट्रेट जा रही है, ये देख सकते हो अभी आप। जीता जागता एग्जांपल है भाइयों। अब मैं आपको इसके फायदे भी गिनवा देता हूँ। दोस्तों अब वक्त है इस पतंग को उतारने का, ठीक है ना। अब आपको मैं इसको उतार के एक बार कन्ने चेक करवा दूँ आपको कि भाई पतंग वही है नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोगों को यकीन नहीं हो रहा होगा। तो भाई यकीन करो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है अभिषेक जोन के सिग्नल पे, ठीक है ना। ये देखिए पतंग देख लीजिए एक बार, ठीक है ना, देख ली। ये देखिए दोस्तों बिल्कुल सेम टू सेम वही करने हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों मैंने आपको पतंग उड़ा के तो दिखा दी भाई, ठीक है ना। ये पतंग वर्किंग है भाई, पतंग उड़ती है। कोई भी अगर भाई ये सोचता है कि पतंग नहीं उड़ती ऐसे करने करने से, तो भाई बहुत ही गलत सोचता है, ठीक है। मैंने आपको जीता ज्यादा एग्जांपल दिखा दिया, प्रूफ दिखा दिया। अब इसके फायदे की बात कर लेते हैं। ये तो मैंने आपको उड़ाई थी पतंग, एक बार दिखा दूं मैं आपको अच्छे से। भैया फायदा इसका ये है कि अगर मान के चलिए ऐसे करने आप कर रहे हो, तो भाई आपकी पतंग का झोल कोई भी पकड़ लेगा, ठीक है ना। लेकिन ऐसे करने करने से आपकी पतंग का झोल कोई नहीं पकड़ पाएगा। सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है कि होता है ना कि भाई हम गद्दा मार रहे हैं और उसका हमें झोल दिख गया, या हम उसके झोल पे गद्दा मार रहे हैं, ऐसे करने पे होता है वो काम। ऐसे करने पे नहीं हो पाएगा, कितने भी हंगे लगा लेना झोल नहीं पकड़ पाएगा कोई भी आपका, ये बात ध्यान रखना। दूसरा फायदा क्या होता है, ये अगर हवा तेज चल रही है और आपने ऐसे करने किए हुए हैं, तो भाई यकीन मानिए आपको तो लगेगी अपनी पतंग बहुत ही हल्की, लेकिन जब उसके अपोनेंट के ऊपर ये पतंग पड़ के चक्कर लगेगी ना, और आप भर्रा छोड़ते चले जाओगे, तो भाई वो तो मतलब चुटकियों का खेल है उसका खत्म होने का, चुटकियों का, ठीक है। ये दो फायदे जबरदस्त वाले होते हैं, और भी ऐसी ऐसी वीडियो लाता रहूँगा आप लोगों के लिए। बस आप लोग प्यार बनाए रखना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। बहुत जल्द मजा आने वाला है, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गाइस जय भारत।